निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि हम समाज को जगाएं कैसे। इस गूंगी बहरी सरकार को, ये हो रहे हमारे साथ जाति जुल्म को हम रोके कैसे। लेकिन हम कहीं ना कहीं हम उन्हीं जातियों में जाकर फंस जाते हैं। उस दिन ही ये मिशन कामयाब होगा, उसके पहले ये मिशन कामयाब नहीं हो सकता। हम सब के अंदर अभी कहीं ना कहीं कमियां है। बेटी बेटी के रिश्ते जितनी जल्दी तैयार करोगे, जितनी जल्दी तैयार करोगे, उतनी जल्दी इस देश में राज कर सकते हो। साथियों, हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, हम सबको संगठित होना पड़ेगा। हम सबके ऊपर जहां भी अत्याचार हो, वहां पार्टी भी भूल जाओ, वहां जाति भी भूल जाओ, वहां संगठन भी भूल जाओ, वो अपने लोग हैं, हो सकता गुमराह हो, लेकिन दुख में उनके साथ खड़े होकर उन्हें हौसला दो, उनको ताकत दो, उनकी परेशानी को बड़ी परेशानी बनाओ। साथियों, आज हम बहुजन समाज के अंदर, हम सभी के बीच में हमारी भी अपनी एक समस्या है, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, हम एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे, ये एक बहुत चिंता का भी विषय है। आज हम सब सैकड़ों संगठनों के साथ निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि हम समाज को जगाएं कैसे, समाज को एकजुट करें कैसे। हम इस गूंगी बहरी सरकार को, ये हो रहे हमारे साथ जाति जुल्म को हम रोके कैसे। हमारा समाज आज बड़े तबके पर, एक बड़ा तबका बहुत एजुकेटेड है, उसमें डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, प्रोफेसर भी है, समाज के सामाजिक कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के रात दिन मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन हम संगठित नहीं हो पा रहे। सबसे बड़ी जो परेशानी हमें दिखाई देती है वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। साथियों, हम सबकी एकजुटता का सबसे जो बड़ा कारण है जाति। जाति, हम बाबा साहब की बात तो करते हैं, हम उनकी दुहाई तो देते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं हम उन्हीं जातियों में जाकर फंस जाते हैं। जिस दिन पिछड़े समाज के लोग, जिस दिन दलित समाज के विभिन्न जातियों के लोग, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, अगर जिस दिन सब मिलकर एससी एसटी के यहां खाना खाना, उसको गले लगाना, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ हो रहे जुल्म जाति के खिलाफ खड़े होना, उनको अपना मानना जिस दिन शुरू करोगे, उस दिन ही ये मिशन कामयाब होगा, उसके पहले ये मिशन कामयाब नहीं हो सकता। हम सबके अंदर अभी भी भिन्नता है, हम सब के अंदर अभी कहीं ना कहीं कमियां है, हम उसे दूर नहीं करते हैं। हम चाहते तो है, मंच पर बोलते हैं, लेकिन जब क्षेत्र में जाते हैं, जब घर में जाते हैं, जब पड़ोस में जाते हैं, जब शादी में जाते हैं, जब पार्टी में जाते हैं, हम इन चीजों को भूल जाते हैं। हमारे अंदर जाति आती है, इन जातियों को खत्म करो। वाकई अगर बहुजन समाज की बात करते हो, रोटी बेटी के रिश्ते जितनी जल्दी तैयार करोगे, जितनी जल्दी तैयार करोगे, उतनी जल्दी इस देश में राज कर सकते हो, इसके अलावा कोई चारा नहीं। आप 15% की 10% की बातें करते हो, खूब पूरे दिन गालियां देते हो, उनकी कमियां निकालते हो, लेकिन वो एक दूसरे के अपनी बेटी, अपने रोटी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं, एक दूसरे के यहां खाना खा रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे, गलत कामों में भी साथ खड़े हो रहे, वो देशभक्ति का नाटक कर रहे, हिंदुत्व का नाटक कर रहे, और उस हिंदुत्व के नाटक में, देशभक्ति के नाटक में सबसे बड़ा तबका ओबीसी शामिल है। ओबीसी के लोग अगर चाहे, वाकई ओबीसी अगर चाहे, अगर दिल से ये प्रण कर ले कि मैं आज से रोटी बेटी का रिश्ता दलित समाज के अंदर, पिछड़े समाज के अंदर हमें करना है, ये लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। साथियों, हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, हम सबको संगठित होना पड़ेगा। हम सबकी सबसे बड़ी परेशानी है, जब हमें किसी क्षेत्र में, भारत के किसी भी गांव में, अगर हम दलित के ऊपर अत्याचार होता है, उसके बहन बेटी पे रेप होता है, हत्या होती है, फर्जी इनकाउंटर, झूठे मुकदमे, बुलडोजर चलता है,
जिस जाति को होता है उस जाति के लोग रोते हैं, दूसरी जाति के लोग कहते बहुत नेतागिरी कर रहा था, निकल गई। बसपा से जुड़ा था ना, पता लग रहा है इनका। सपा से जुड़ा था ना, पता लग रहा है। मैं कहता हूं साथियों, हम सबके ऊपर जहां भी अत्याचार हो वहां पार्टी भी भूल जाओ, वहां जाति भी भूल जाओ, वहां संगठन भी भूल जाओ, वो अपने लोग हैं, हो सकता गुमराह हो, लेकिन दुख में उनके साथ खड़े होकर उन्हें हौसला दो, उनको ताकत दो, उनकी परेशानी को बड़ी परेशानी बनाओ। जिस दिन जब तक इस परेशानी को, इस संकल्प को नहीं लोगे तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। हम सब बहुत कोशिश करके ऐसे प्रोग्राम को सफल बना रहे हैं। समाज का कितना पैसा लग रहा है, कितने पैसों से प्रोग्राम किया जा रहा है। साथियों, हम सबको आर्थिक सहयोग भी करना चाहिए, क्योंकि सभी बड़ी मेहनत से ऐसे प्रोग्रामों को सफल बनाए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब जो भी हो सकता है कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग भी जरूर करें। जय भीम, जय भारत।